आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। चलिए देख लेते हैं इस अहम खबर को। नर्मदापुरम भाग्य कमिश्नर आर के मिश्रा ने तहसील कार्यालय एवं जनपद का औचक निरीक्षण किया। तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड रूम की जांच की गई, इसके साथ साथ प्रकरणों की भी जांच की गई। इसके बाद जनपद कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान स्वीकृत हुए हैं, नल जल योजना की व्यवस्था देखी गई, साथ ही पीएचई विभाग की जानकारी मांगी। तहसील में कितने नल और हैंडपंप बंद हैं, विद्युत विभाग की भी जानकारी मांगी गई कि क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर अभी बंद हैं। सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद नगर पालिका परिषद का भी मुआयना किया गया और मौके पर विशेष रूप से एसडीएम सिवनी मालवा, तहसीलदार और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। किस तरीके का निरीक्षण किया गया? ये रूटीन इंस्पेक्शन था तहसील का, ब्लॉक का और सब डिविजन लेवल के जो भी ऑफिसेज हैं। इसके अलावा ख़ास तौर से इसमें जो यहाँ वर्षा हुई है उसके कारण से अगर कोई नुकसानी हुई है वो मौके का भी मुआयना है। कुछ किसानों ने ज्ञापन भी दिए हैं, उनके बारे में भी देखना था। बिजली की समस्या तो नहीं, इन सब बिंदुओं को देखना था। कुछ ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं ठीक से, कहीं कमी है तो उसे ठीक करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जल्द जल्द की आपने जानकारी ली, इसमें आपने यहाँ पर क्या पाया? प्रधानमंत्री आवास में अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी कुछ प्राइमरी स्टेज पे भी चीज़ें हैं जिनमें कि उनके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, आगे भी उनके इंस्टॉलमेंट दे करके उनको जल्दी पूरा करने के लिए कंसर्निंग को आदेश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम कंपेरेटिवली ठीक चल रहा है। सर, किसान मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन भी सर्वे करता है, तो किस तरीके के निर्देश आपके द्वारा? आंदोलन सच कुछ नहीं है, लोगों ने अपनी बात कही है आकर के, और अच्छी बात है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। और हमारी टीमें पूरा फील्ड में सर्वे कर रही हैं, पूरे संभाग में जहाँ कहीं भी नुकसानी होगी उस नुकसानी का जो तय किया जाएगा वो बटेगा, लेकिन अभी सारी चीज़ें सर्वे की पोजिशन में हैं। और जहाँ भी नुकसानी, हर खेत का चेक किया जा रहा है, नुकसान हो या न हो वहाँ की पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सरकार के निर्देशों के तहत इसमें कार्रवाई होगी।